राज, माई सेल्फ राज। आज हम लोग एस बी आई पी ओ 2016 के प्रीलिमिनरी जो प्री क्वेश्चंस पेपर हैं उसको, उसके डी आई का जो पार्ट है, जो 5 क्वेश्चंस है, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि डिस्क्रिप्शन में जाके जो क्वेश्चन हैं, पांचों क्वेश्चन, उसको डाउनलोड कर लीजिए, या तो आप उसको साइट से मोबाइल में देख सकते हैं, एज ए पी डी एफ है, उसे मैंने डाल दिया है लिंक। और जो सोल्यूशन है सिर्फ हम उसे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आप मोबाइल में या फिर लैपटॉप के साइड में ही देख लें और एक पार्ट में आप वीडियोस को चालू कर दें, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि रेशियो पूछ रहा है फीमेल एम्प्लॉइज का कंपनी एस और टी में, दोनों का एक साथ, और मेल का एम्प्लॉय का मार्केटिंग डिपार्टमेंट में पी और क्यू में टुगेदर। क्वेश्चन जो है वो डी आई से रिलेटेड है और इसमें क्या दिया हुआ है आपको, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ओके। एंड पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिया है, फिर से परसेंटेजेस दिए हैं उनके कि एचआर डिपार्टमेंट में कितने हैं और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने हैं, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन जो अपना पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है एस और टी में फीमेल का एचआर डिपार्टमेंट में इज टू पी एंड क्यू मेल का मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है। तब इन दोनों को हम जब एनालाइज करेंगे और इनका रेशियो निकाल, परसेंटेजेस के हिसाब से नंबर्स, पहले तो हमको नंबर्स ऑफ मेल और फीमेल निकालना पड़ेगा कि कितने हैं। तो जब एस और टी में नंबर ऑफ फीमेल निकालते हैं तो एस में परसेंटेज दिया हुआ है आपको 8% एचआर फीमेल है, कितने का, अब इसका चाहिए 525 का, 525 का 8% निकालने के लिए पहले 10% होगा 52.5, ठीक है। और जब 8% है यानी कि 2% कम, तो 2% जब 1% होगा 5.25, 2% होगा 10.5, इट मीन्स 42। जब ये माइंड से करेंगे हम तो बहुत ईजिली, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और जब टी में देखेंगे तो टोटल है 20% ऑफ 375, तो 10% होगा 37.5, 20% हो जाएगा आपका 75, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 117। तो नंबर ऑफ फीमेल्स हैं अपनी, नंबर ऑफ फीमेल्स हो गए 117। और नेक्स्ट है नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ मेल्स जो होगा पी में जब देखेंगे तो गिवेन है परसेंटेज मार्केटिंग में 6% और चाहिए हमको 45 का, 450% से टोटल एम्प्लॉयज हैं। तो जब 1% इसका देखेंगे तो 4.5 होता है, 6% चाहिए हमको, 1% 4.5, 2% होगा 9 और 6 चाहिए, इट मीन्स 2 का 3 टाइम, तो 9 × 3 27 मेल होंगे पी में। और फिर क्यू में देखेंगे तो नंबर ऑफ मेल्स हैं अपने 12% मार्केटिंग में, ठीक है। 12% कितने का, 850 का, ओके। तो जब इसका 10% हम निकालेंगे तो ये आएगा आपका 85 और 2% होता है इसका 16, तो ये हो जाएगा 101, ठीक। तो ये टोटल आपको आ जाएगी 17 आएगा, तो ये हो जाएगा 102, तो ये हो जाएगा 129। जब रेशियो निकालेंगे इसका तो 117:129, ये दोनों 3 से डिविजिबल है, तो ये आ जाएगा 39, ये आ जाएगा 43, इट मीन्स ऑप्शन डी जो है आंसर है। जब अगर ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ प्रॉपरली विथ ऑन पेपर तब इतना लेंदी हो रहा है, बट अगर मैं सीधा माइंड से करूँ तो इन सब की मुझे कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा देखूँगा कि 8% कितना है 42, 20% कितना है 75, 117 हो गया, सीधा इसका 6% देखूँगा 27, 12% देखूँगा 102, दोनों को सम हुआ 129। अब इन दोनों का रेशियो चाहिए, 3 से डिविजिबल दोनों हैं क्योंकि 7 × 9 डिविजिबल है और 9 × 1 इट मीन्स 12, ये भी डिविजिबल है,
तो 39 एंड 43, आंसर जो आ गया अपना डी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 39:43, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, इसमें पूछ रहा है आपको डिफरेंस मेल एम्प्लाइज का और फीमेल एम्प्लाइज का। मेल एम्प्लाइज का जो है वो हमको देखना है सारी कंपनीज में, मार्केटिंग में, मार्केटिंग में देखना है टी कंपनी को छोड़ के, और फीमेल का जो देखना है ये हो गया आपको मेल का, और फीमेल का जो देखना है वो देखना है आपको एचआर डिपार्टमेंट में, और इसमें जो है क्यू और टी को कंपनी को छोड़ देना है, इन दोनों को नहीं देखना है, और इसमें टी कंपनी को छोड़ के बारी सारे कंपनी का देखना है, और इन दोनों का हमको डिफरेंस चाहिए। तो पहले एक एक करके सबका हम निकाल लेंगे कि कितने मेल्स है सब में और कितने फीमेल्स है सब में, ठीक है। तो पहला देखेंगे तो हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट है पी कंपनी में, पी क्यू आर एस 6% है, 6% हमको चाहिए कितने का, 450 का। तो ये आप अपना कितना आ जाता है 27। देन आपको आता है क्यू, क्यू में है 12%, ये कितने का, ये अपना आ जाता है 102। देन 12%, देन आर इज 4%, 4% है 400 का, इट मीन्स 16। होता क्या है कि एक डिजिट के पहले तो ये 10% हो गया, एक पॉइंट यहाँ डालेंगे फिर एक पॉइंट, तो 1% हो गया, तो ये 4 जो है 1% है, तो 4% कितना होगा, 4 × 4 16, ठीक है। सिमिलरली एस, एस में कितने हैं टोटल 8, और ये कितने का चाहिए हमको 525 का, तो ये टोटल होता है 42, क्योंकि 10% 52.5 होता है और 2% इसका होगा 5.25 × 2 10.5, तो 52.5 − 10.5 इसका टू 42, इन सबको सम करेंगे तो आएगा 102, 27, 129, 6, 135, 145 and then 42, इट मीन्स 187। जब फीमेल का निकालेंगे तो पी कंपनी का हमको निकालना है, पी में फीमेल का है एचआर डिपार्टमेंट में 14%, 450 का, तो 10% है 45, 1% है इसका 4.5, तो 2% होगा 9, 18, तो 45 + 18, तो 45 + 10, 55 + 8, इट मीन्स 63। देन आपको आता है क्यू, लीव करना है हमको आर, आर में है टोटल 14%, अगेन कितना का, 400 का, 400 का 14% आपको आएगा, 10% 40 हो गया, ओके 4% 16, इट मीन्स 56। देन आपको आता है एस, एस इज 8% ऑफ 525, दैट इज सिमिलर एंड इट इज 42। अब सबको सम कर देंगे 63, 56 + 42, देन 56 + 3 59 and 60, वन कैरी, तो 120, 121 and 42, इट मीन्स 161 टोटल, और ये है 187। जब इन दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे 187 − 161, इट मीन्स 161, 20, 181 + 6, इट मीन्स 26 इसका डिफरेंस है, विच ऑप्शन इज 26, ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज 26 आंसर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मार्केटिंग एम्प्लाई क्यू और एस कंपनी के कितने परसेंट ज़्यादा हैं टोटल नंबर ऑफ मार्केटिंग एम्प्लाई आर कंपनी के। तो सबसे पहले इसमें हम क्यू और एस में कितने एम्प्लाई है वो कैलकुलेट करेंगे, फिर आर कंपनी में कितने एम्प्लाई हैं वो कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके परसेंटेजेस मतलब उसको माइनस करके उससे परसेंटेज निकाल लेंगे कि कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो पहले हम भाई प्रोसेस देखते हैं, क्यू एंड एस कंपनी में कितने एम्प्लाई हैं, क्यू में कितने परसेंटेजेस, पहले एज अब पूछ रहा है कि परसेंटेजेस कितने हैं, सिंपल मतलब कितने एम्प्लाई हैं और परसेंटेज हमको गिवेन है दोनों का, तो दोनों को सम कर देंगे तो सिमिलर उसी का निकल जाएगा। जैसे मार्केटिंग मेल में कितना है गिवेन है 12%, और फीमेल का कितना गिवेन है 14%। अब इन दोनों, ये 12% 850 का है और 14% भी 850 का है, इट मीन्स दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, तो 26% ऑफ 850, तो ये आपको आएगा 20% हो जाएगा, आपको 20% आपका आ जाएगा 170, और 6% आ जाएगा
8 6 48 5 3 51, इट मीन्स आ जाएगा 251 आपको ये टोटल। ठीक है, अब देखते हैं एस कंपनी में मेल जो हैं और फीमेल, ठीक है, परसेंटेजेस इनकी कितनी है। एस कंपनी एस में 8% है मेल और 4% है आपको फीमेल, इट मीन्स 12% ऑफ 525, तो 10% है 52.5 और 2% हो जाएगा, 12% है ना टोटल, 10% 52.5 और 2% हो जाएगा आपको 10.5, इट मीन्स टोटल 63। अब इन दोनों का सम करते हैं कि टोटल इम्प्लाइज की और एस में कितने हो गए अपने 284, 635 या 284। नेक्स्ट वन, अब कंपनी आर, आर में हम देख चेक करेंगे कि कितने एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, तो आर में मेल मार्केटिंग में मेल में कितने परसेंटेजेस हैं 4% और फीमेल कितने परसेंटेजेस हैं 7% ऑफ व्हाट ऑफ 400, तो 10% कितना होता है 40, 1% कितना होगा 4, इट मीन्स 11% कितना हो गया 44, तो टोटल एम्प्लॉय कितने हो गए, ये हो गया आपको 44। अब हमको देखना है कि 284 44 से कितना ज़्यादा है, इट मीन्स बाय प्रोसेस चलें तो 284 माइनस 44 अपॉन 44 इंटू 100, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको आएगा 545.45%। ठीक है, बट इस मेथड से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये बहुत लेंदी होगा, 2 से 3 मिनट आपका ऑलरेडी जाना ही जाना है, 2 to 3 मिनट, बिकॉज कन्फ्यूजन उस समय ज़्यादा क्रिएट होते हैं, प्रेशर होता है, एग्जाम प्रेशर होता है, टाइम आपका क्लॉक अलग ही चल रहा है, तो उन सब का प्रेशर हैंडल नहीं किया जा सकता है, होम के सिचुएशन और एग्जाम के सिचुएशन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसको और अदर तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो बाई परसेंटेजेस की हेल्प से डायरेक्ट हम इसको निकाल सकते हैं, चेक करने के लिए चेक कर सकते हैं कि कितने परसेंट अप्रॉक्स हो सकता है। एक तो ऑप्शन देख के सीधा पता चलता है कि सारे जो हैं 500 से अबव होंगे। अब इसमें हम देखेंगे 44, जैसे कि हमको पता है 284 कितना ज़्यादा है 44 से, इस मीन्स हमको चेक करना है 240 कितना है 44 का, कितना परसेंट है। ओके, तो 44 से कितने टाइम्स, अगर देखें 5 टाइम्स, अगर ये 100% सभी नंबर अपने आप के 100% होते हैं, अगर इसका 5 टाइम करें तो कितना आता है 220, इट मीन्स 500 टाइम। ऑप्शंस देख के भी पता चल रहा है 500 टाइम है, हमको अब सिर्फ चेक करना है ये 20 रेस्ट 20, 240 माइनस 220, तो ये 20 रेस्ट जो है ये कितना है 44 का। ठीक है, तो 44 का 50% होता है 22 और 5% होता है 2.2। ओके, अब जब इसमें चेक करेंगे 220 आ गया है हमको 500, 50% इसमें ऐड करेंगे तो टोटल होता है 550। ठीक है, जो कि हमारे ऑप्शंस में है, दो ऑप्शन से ज़्यादा 576 एक ही है। ठीक है, तो इट मीन्स जब 22 ऐड करेंगे तो कितना होगा 242, 220 तो आ चुका था 500% और 550% कितना होगा 242, तो अगर ऑप्शन चेक करें तो 576 तो वैसे ही खत्म हो गया, एंड हो गया, मतलब उसका चेक ही नहीं करना, वो नहीं लेना हमको। ठीक, और सिमिलरली देखें तो 2, इट मीन्स 2 एक्स्ट्रा आ रहा है अपने पास। ओके, 2 एक्स्ट्रा आ रहा है 550 में, तो ऐसे भी ऑप्शन हम चेक करें तो 536 नहीं आ सकता है, 526 नहीं आ सकता है, तो तीन ऑप्शंस तो आपके चले गए, कन्फ्यूजन आपके हैं 546.67 में और 545.45 में, इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन है कि कौन सा आंसर है। ठीक है, इसके लिए हम आप क्या करेंगे, 545 इट मीन्स नियर अबाउट 5% का डिफरेंस है, तो 5% कितना है 2.2%। ठीक है, तो इस 2.2 जो है इसको अगर इसमें माइनस करते हैं तो कितना आता है 239.8, नियर अबाउट 240, और इसमें अब जब देखें ऑप्शन को हम तो 246, ऑफ कोर्स अगर 246 लेंगे तो पॉइंट 0.1 कितना होता है 0.4 होगा इसका,
अब जैसे ही इसमें 0.4 ऐड करेंगे तो ये तो ऑलरेडी 247 अब हो जाएगा, 239 में, तो 246 वाला भी एलिमिनेट हो गया, यानी कि ऑप्शन 544.45 सही है, इट मीन्स ई जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्वेश्चन किया है कि 40% एम्प्लाई ऑफ कंपनी टी, 40% एम्प्लाई ऑफ कंपनी टी एचआर डिपार्टमेंट में और 60% कंपनी टी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ग्रेजुएट हैं। ओके, अब पूछ रहा है कि टोटल कितने नंबर ऑफ एम्प्लाई जो हैं वो ग्रेजुएट हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लाई निकालेंगे एचआर डिपार्टमेंट का, फिर उसका 40% निकाल लेंगे, फिर सिमिलरली नंबर ऑफ एम्प्लाई निकालेंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, फिर उसका हम 60% निकाल लेंगे। अब आप पूछेंगे कि भाई परसेंटेजेस तो दिए हुए हैं तो हम दोनों का अलग अलग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट की परसेंटेजेस अलग हैं, मार्केटिंग के अलग हैं, और यहाँ ग्रेजुएट जो हैं वो दोनों डिफरेंस है, इसीलिए दोनों को अलग अलग निकालेंगे। अब टी डिपार्टमेंट में एचआर में देखते हैं टोटल इम्प्लाइज कितने हैं, तो मेल इसमें कितने हैं, टी 12% और फीमेल कितने हैं 20%, इट मीन्स टोटल कितने हो जाते हैं 32%, 32% ऑफ व्हाट, 375। ठीक है, तो जब अब इसका 2% हम देखेंगे तो ये आता है आपको 3, पहले 30% देख लीजिए, 37.5 है, 3 टाइम्स इसको कीजिए, इट मीन्स 1.5। सिंपल, जैसे ही स्प्लिट करके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे और जल्दी कर पाएंगे, इट मीन्स 1.12.5। ठीक है, 1.12.5। अब इसका 2% देख लेंगे, 2% क्या होगा, 3.75 का डबल, क्योंकि 1% 3.75 है, तो 2% 3.75 का डबल, 75 का डबल क्या होता है, 1.5। ठीक है, अब 3 का डबल क्या होगा, 6, बस ये आ गया आपका 0, 6, 2, 8, 9 और 1, 0, बिकॉज 1 कैरी ओवर, 2, 1, टोटल कितना आ गया, 120। तो टोटल 120 इंप्लॉय जो हैं वो किसमें हैं, एचआर डिपार्टमेंट में, टी में। अब इसके 40% जो हैं वो ग्रेजुएट हैं, तो 10% 12, 40% कितना हो गया, 12 फोर 48, 48 इम्प्लॉय इसके हैं ग्रेजुएट। अब देख लेते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है, अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में टीम में 4% है और 8% है, इट मीन्स 12% है। ठीक है, तो 2% अगर ऐसे भी देखें तो हम पैनिक पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, एक तो 37.5 इसका 10% होगा और 2% जो होगा इसका 7.5 होगा, तो कितना आ गया ये, 0.775314, टोटल नंबर ऑफ 45। ओके, तो 45 इम्प्लाइज टोटल जो हैं इसके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, टी में, तो 45 का कह रहा है 60%, 60% इट मीन्स व्हाट, 10% हो गया 4.5, तो 20% कितना होगा, 9, 60% इंटू 3, इट मीन्स 27, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लाई कितने हो गए, 48 प्लस 27, इट मीन्स 75 एम्प्लॉय जो हैं वो ग्रेजुएट हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें सर बहुत टाइम लग रहा है, बहुत कैलकुलेटिव है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको इस एकदम स्प्लिट करके बता रहा हूँ कि 12% 20% फिर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्प्लिट करके कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं एज ए एग्ज़ाम दे रहा होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करता, मैं डायरेक्ट ये सारे माइंड्स में होते हैं, 12% 20% 32% हुआ और इसका कितना होगा 120, ये
ये पार्ट हो सकता है कैलकुलेटिव हो, बाकी इतना जो पार्ट है इतने सा ये जो पार्ट है ये आपका माइंड में होगा, ये टोटल पार्ट आपका माइंड में होगा, ये पूरा माइंड में होगा, तो टोटली बिल्कुल आपका टाइम बच जाएगा। और 120 का 40% आप ऐसे नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट 48 आएगा, फिर 45 का 60% आप कॉपी पेन पेपर पे नहीं, जितना मिनिमम पेन पेपर यूज़ कीजिएगा उतना फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा। बस इस तरह 75 इम्प्लाइज इसका आंसर आ गया। इट मीन्स ऑप्शन, विच ऑप्शन इज दिस, ए ए इज द। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करें तो इसमें गिवेन है कि रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लाईज, आस्क कर रहा है रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लाई ऑफ कंपनी पी एन क्यू में फीमेल एचआर डिपार्टमेंट में, ठीक है, और एस एंड आर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मेल, ये यहाँ होगा ये यहाँ होगा, ओके, मेल जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में और फीमेल जो है एचआर डिपार्टमेंट में, पी एंड क्यू इन दोनों का रेशियो कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पी और क्यू में हम निकाल लेंगे कितनी फीमेल्स हैं एचआर डिपार्टमेंट में, पी में कितना है चेक कर लेंगे, 14% है फीमेल 450 का, तो 10% हो गया 45, 4% हो गया 1% आपका, सॉरी 10% हो गया 45 और 4% हो गया आपका 1% हो गया 4.5, इट मीन 4% हो गया 18, तो 45 प्लस 18 इट मीन्स 63, ठीक है। नेक्स्ट है क्यू में कितना है, 10% ऑफ 850, 10% ऑफ 850 85, दोनों का सम करेंगे तो टोटल आ जाएगा आपको 53864 148, ओके। नेक्स्ट आता है एस और आर, एस एंड आर इसमें मेल मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, तो मेल की परसेंटेज कंपनी एस में कितनी है 8% और आर की परसेंटेज कितनी है 4%, और ये 4% जो है 400 में है और ये 8% जो है 525 में है, तो 10% होता है 52.5 और 2 यानी कि 8% यानी 2% कम, 2% कितना होगा 5.5 यानी 10.5, तो 52.5 माइनस 10.5 इट मीन्स 42, 42 हो गया ये, और ये 4% कितना होगा 10% 41, 1% 4 यानी 4%, 4 4 16 इट मीन्स 16, दोनों का सम करेंगे तो ये आ जाता है आपको 52 48 58। अब इन दोनों का रेशियो हमको पूछा है, ठीक है, तो 148:58 सिंपल, कैंसिल आउट कीजिए, ये दोनों कैंसिलेबल है 2 से, ये हो जाएगा 74, ये आ जाएगा 29, 74:29 इज द आंसर एंड द ऑप्शन नंबर बी, बी इज द आंसर। अगर आपको इसमें समझ नहीं आया रेशियो तो बोलिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि परसेंटेजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं शॉर्ट में, ठीक है, बाई यूजिंग विदाउट प्रॉपर मैनर, जो प्रॉपर इसका प्रोसेस होता है उसको यूज़ किए बगैर डायरेक्ट हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। बिकॉज अगर ऐसे हम देखें तो 525 को ही ले लीजिए, तो 100% ये तो ऑलरेडी है, ठीक है। अब 1/10 चाहिए, 1/10 क्या होगा इसका 10%, जैसे ही 10 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 52.5, अब 10th का भी 1/10 क्या होगा 1%, इट मीन्स 5.25 क्या होगा वो 1% होगा, इसी को मल्टीप्लाई अप करते हैं। अगर हमको 20% चाहिए तो 52.5 × 2, 30% चाहिए 52.5 × 3, सिमिलर प्रोसेस, अगर 5.5 है, अगर 2% चाहिए तो 5.25 × 2, इसी तरह कैलकुलेट होता है, ओके। होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें चैनल को, फ्रेंड्स को भी बताएं कि सब्सक्राइब करें, आगे भी वीडियोस आपको जो इसके रेस्ट क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। ये डीआई का पार्ट था, डीआई जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे एसबीआई 2016 में प्री एग्जामिनेशन में, ओके। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको भी जल्दी से जल्दी अपलोड किया जाएगा, तो आप इसको जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपका पैसा नहीं लग रहा है इसमें। थैंक यू, गुड बाय।